हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। ऑन्स अगेन हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के पिछले कुछ क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसका अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ये हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। लेकिन उधर मैंने एक चीज छोड़ रखा था, मैंने बताया था कि ये इसके बारे में दूसरा कोई क्लास में मैं बताऊंगा। मैंने उधर बोला था कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे निकलते हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो होता है यानी कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हम लोगों को बायो सेवर्ट लॉ की अप्लाई करना पड़ता है। बायो सेवर्ट लॉ, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बायो सेवर्ट लॉ के बारे में। तो बायो सेवर्ट लॉ को मैंने शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं, बायो सेवर्ट लॉ ने क्या कहा है। बायो सेवर्ट लॉ ने बताया कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंड में किसी पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कितना अमाउंट ऑफ कितना उस वो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किसी भी पॉइंट में विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी यानी कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये बायो सेवर्ट लॉ के थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन बायो सेवर्ट ने क्लियरली एक बात कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी कंडक्टर में से एक फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो इस पूरा की पूरा लेंथ की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ऑन दैट पॉइंट, ये मैं नहीं बता सकता। बल्कि मैं ये बता सकता हूं, ये जरूर बता सकता हूं कि उस कंडक्टर में से अगर एक छोटा सा एलिमेंट स्मॉल लेंथ पीस अगर आप पीस के अक्रॉस में पीस के स्मॉल अमाउंट ऑफ पीस के रिस्पेक्ट में उसी पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये मैं जरूर बता सकता हूं। उन्होंने कहा है कि मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसमें से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मैंने बताया था पिछले क्लासेस में कि इसके थ्रू अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो इसके सराउंड में सर्कुलर इन शेप एंडलेस एंड सर्कुलर इन शेप का एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड ग्रिप रूल और राइट हैंड थंब रूल से निकाला था। तो इधर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ग्रिप रूल। तो देख रहे हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, तो ये क्रॉस नोटेशन से मेंशन किए थे। और इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका डायरेक्शन हम लोग कुछ ऐसा निकाला था कि इस चारों फिंगर को अगर कर्ल करोगे तो इधर से ऊपर आ रहा है, तो ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है यानी कि डॉट नोटेशन। तो ये हम लोग तो सीख चुके हैं। लेकिन अभी आपको कहा जाए कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट विद इन द मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया के अंदर है ये पॉइंट। अब इस पॉइंट में कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये डिटरमाइन करके बताओ। तब हम लोग क्या करते हैं, बायो सेवर्ट ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि इस पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मैं पहले ये सोचो कि इस पॉइंट में क्यों मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्योंकि ये पूरा जो कंडक्टर है इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो पूरा कंडक्टर के जो अराउंड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर इन शेप पास होगा तो उसका असर इस पॉइंट के ऊपर जरूर पड़ेगा, उसका असर इस पॉइंट के ऊपर जरूर पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, समझो पहले कि मान लो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके हो रहा है तो पूरा के पूरा कंडक्टर, मान लीजिए ये कंडक्टर है इसमें से करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो पूरा की पूरा कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे करके पास हो रहा है, ऐसे करके ऐसे पकड़ो ऐसे करके पास हो रहा है।
तो अगर पस हो रहा है तो इसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए इस पॉइंट में कितना इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कितना है। तो उन्होंने कहा है कि ये पूरा की पूरा कंडक्टर के वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसका अमाउंट मैं नहीं निकाल सकता हूं, बल्कि मैं ये जरूर बता सकता हूं कि ये पूरा जो कंडक्टर है इसमें से अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट, सपोज लाइक दैट, छोटा सा एलिमेंट को अगर आप काट लो तो इस ये जो एलिमेंट है ये डी एल लेंथ है ये, क्योंकि पूरा लेंथ नहीं है, छोटा लेंथ है, डी एल लेंथ की वजह से कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये मैं जरूर बता सकता हूं। तो पूरा लेंथ की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये बायो सेवर्ट लॉ के थ्रू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो बायो सेवर्ट लॉ को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज होता है जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, अपने आप को क्वेश्चन करेंगे और सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के चारों ओर अगर किसी भी पॉइंट में अब फोकस करोगे तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मुझे पहले यह बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रहा है। मान लीजिए कि ये कंडक्टर है लेकिन इसमें करंट जीरो है, यानी कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसका वजह है, मैग्नेटिक फील्ड बनने का वजह है क्योंकि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्या आप ये मानते हो कि करंट जितना मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही मैक्सिमम होगा, क्योंकि पिछले क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस किया गया था। तो करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो करंट जितना इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना ही इंक्रीज करेगा। क्या हम ये लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, इसको थोड़ा इधर लिख दे, मैग्नेटिक फील्ड वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। तो ये एक केस है, ये है फर्स्ट केस। चलते हैं सेकेंड केस में। देखो, तो आई के साथ प्रोपोर्शनल हुआ। अभी मैं ये बता रहा हूं कि मान लीजिए ये कंडक्टर है, सॉरी ये कंडक्टर है तो पॉइंट इधर है। सपोज दैट ये पॉइंट आप इधर भी ले सकते हो। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या ये कंडक्टर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है? क्या करता है? देखो, मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा एलिमेंट्री करंट को रेस्पेक्ट कर रहा हूं, यानी कि इधर से जो आई करंट फ्लो हो रहा है पूरा कंडक्टर में से आई करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं कहूं कि इतना लेंथ में, ये डी एल लेंथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आई ही फ्लो हो रहा है। तो आई फ्लो होने के कारण इस डीएल लेंथ में से करंट फ्लो होने के कारण डीएल क्या कर रहा है, इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो अगर इस लेंथ को थोड़ा सा आप बढ़ाओगे, लाइक दिस, थोड़ा सा आप बढ़ाओगे तो इसके साथ इसके फ्लक्स भी एडिटिव हो जाएगा। इस एरिया का जितना फ्लक्स है इसके साथ एक्सटेंडेड पोर्शन का जो फ्लक्स है वो भी एडिटिव हो जाए। तो क्या आप ये मान रहे हो कि, मान लीजिए कि ये जो है ये एक इलेक्ट्रिक लैंप है, सपोज दैट इधर भी एक इलेक्ट्रिक लैंप है, पूरा की पूरा कंडक्टर लैंप है। तो देखो, समझो, पहले प्रैक्टिकली समझो उसके बाद लॉ पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर इस लैंप का जो लाइट है इस पॉइंट के ऊपर क्या पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा,
आप इधर से इधर अब खड़ा रहोगे तो क्या इस लैंप का लाइट आपको दिखेगा? ऑब्वियसली दिखेगा। तो हम अगर इस लैंप की वजह से, ये जो लैंप है, इस लैंप की वजह से कितना लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हम बता सकते हैं कि इस लैंप के कारण कितना लाइट इधर आ रहा है। मान लीजिए मैंने दोनों लैंप ले लिया, दोनों लैंप ले लिया, इसका मतलब क्या है? मैंने लेंथ ज्यादा कर दिया, दोनों लैंप ले लिया तो दोनों लैंप के कारण इधर लाइट ज्यादा होगा, इधर लाइट ज्यादा होगा। मान लीजिए आपने तीन लैंप को ले लिया तो तीन लैंप के कारण इधर तीनों लैंप का जो लाइट है इधर रिफ्लेक्ट होगा। फिलहाल अभी इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा इस लैंप का लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि ये शॉर्टेड डिस्टेंस में है। देखो शॉर्टेड डिस्टेंस में है तो ये तो पता चलता है कि अगर जितना वी मैग्नेटिक फील्ड वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, यानी कि डीएल, बल्कि डीएल जो है वो स्मॉल पीस है, पूरा कंडक्टर का जो फिजिकल लेंथ है उसमें से स्मॉल एम स्मॉल पीस को कटा गया है तो डीएल बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। बालसेवर ने कहा है कि मैं डीएल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है मैं ये बता सकता हूं। तो ये डीएल यानी कि लेंथ जितना बढ़ेगा, छोटा है लेकिन उसका लेंथ जितना बढ़ेगा बी उतना ही बढ़ेगा। तो बी प्रोपोर्शनल टू होता है डीएल यानी कि लेंथ, जितना लेंथ लोगे ना, जितना लेंथ लोगे, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, इधर अगर देखना है तो जितना लेंथ आप लोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर का असर आएगा। अगर आप छोटा सा ले लो तो आएगा लेकिन आप उसको काउंट में नहीं रख रहे हो। तो V प्रोपोर्शनल टू डीएल होता है। थर्ड केस हम लोग देखेंगे। देखो अगर ये कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है तो आप छोटा सा जो एलिमेंट्री करंट है, एलिमेंट्री लेंथ है, ये आप इतना ले लिए डीएल। तो मान लीजिए पॉइंट है इधर, पहले पॉइंट को इधर रखते हैं, पॉइंट है इधर, तो इस डीएल एलिमेंट्री करंट की वजह से इस पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देखो समझो। तो ये इस डिस्टेंस को हम लोग आर ले लेते हैं, स्मॉल आर, इस डिस्टेंस को स्मॉल आर ले लेते हैं। तो स्मॉल आर है तो ये एक डीएल है, इसके वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसके साइड में जो और एक डीएल है, और एक डीएल लेंथ है, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका नीचे और एक डीएल ले लो, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इधर इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो देखो सबसे ज्यादा कौन सा डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर ज्यादा बन रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बन रहा है, पहले देखो। क्या इस डीएल की वजह से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है? हां, क्योंकि मान लीजिए ये लाइट है, एक लैंप है, तो लैंप का जो लाइट है सबसे ज्यादा इस लैंप का लाइट इधर रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे करके आप जितना ऊपर जाओगे और नीचे भी जा सकते हो, जितना ऊपर जाओगे उतना ही लाइट कमते जाएगा, उतना ही कमते जाएगा। ऐसे करके जितना इधर आओगे, ये कंडक्टर का लेंथ थोड़ा सा और बढ़ा देते, तो जितना आप नीचे जाओगे और जितना आप ऊपर जाओगे इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पॉइंट, आपका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट ये रिड्यूस हो जाएगा। आप मान लीजिए कि इस डीएल की वजह से कितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी बन रहा है इधर, तो देखो ये लैंप अगर इतना दूर है,
तो इसका लाइट जितना इस पॉइंट के ऊपर पड़ेगा, ये लैंप बहुत ही नजदीक है तो इसका लाइट ज्यादा पड़ेगा ना। तो देख रहे हो, एक बात देखो कि इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ये है थर्ड केस, तो ये है पॉइंट, तो मान लीजिए ये डीएल है, तो इस डीएल के साथ इस जो पॉइंट है ये आई भी कह सकते हो, ये आई के साथ इस पॉइंट का जो एंगल है कितना है देखो, 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री में रहेगा ये एंगल, अगर 90 डिग्री होगा, इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करो, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन मैग्नेटिक फील्ड बी इज मैक्सिमम इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस डीएल, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस डीएल, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस डीएल। मान लीजिए ये आपका जो लेंथ, छोटा सा लेंथ को आप लिए हो, ये इधर है, तब देखो इस लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रहा है, क्या ये 90 डिग्री है, क्या ये 90 डिग्री है, नहीं, तब थीटा हो जाता है, अच्छा इस थीटा को इधर ले लेते क्योंकि मैंने उधर जा रहा हूं, तो तब थीटा 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 इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो थीटा अगर कम होगा, अब देख रहे हो दूर चला जा रहा है पॉइंट से, थीटा अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो भी कम होते जाएगा। तो थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। तो थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो अब मान लीजिए और भी दूर जा रहे हो, इस डीएल की वजह से इधर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये हो जाएगा थीटा, और लेस हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है मैक्सिमम 1। अगर कॉस होगा तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, इसीलिए साइन लेते हैं हम लोग। तो साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के साथ। चलिए, तो ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, और ये एक कंडीशन है। और एक बात, फोर्थ केस, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है। आप इस पॉइंट में डिटरमाइन करना चाहते हो कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो अगर डीएल इधर होगा, बायो सेवर्ट लॉ ने क्या कहा, मैंने पूरा की पूरा कंडक्टर के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये तो मैंने नहीं बता सकता, लेकिन एक स्मॉल एलिमेंट्री करेंट और एलिमेंट्री लेंथ की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यह मैं बता सकता हूं, तो एलिमेंट्री लेंथ को लेना पड़ेगा। तो इधर से इसका डिस्टेंस मैंने क्या बताया, डिस्टेंस को मैंने आर ले लिया था, तो आर ये आप जितना दूर जाओगे पॉइंट इस कंडक्टर में से, जितना जो दूर जाओगे डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस को मैंने आर, ए रेडियस नहीं है बल्कि इसको मैंने आर ले लिया, तो ये रेडियस ही आएगा, सर्कुलर है तो रेडियस है, तो ये इस आर का डिस्टेंस जितना बढ़ेगा क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि कंडक्टर का जितना नजदीक जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा, जितना दूर भागोगे, कंडक्टर में से करंट इधर फ्लो हो रहा है और हम मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी निकल रहा है इधर इधर, तो ये इधर है इधर, तो क्या कुछ असर मिलेगा हम लोगों को, नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत दूर है, इतना दूर तक मैग्नेटिक फील्ड बना ही नहीं, और अगर बना है तो बहुत ही कम है, मेजरेबल भी नहीं होगा शायद। तो ये आर अगर इंक्रीज करेगा, ये जो आर डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करके जाएगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि
v जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के साथ, यानी कि अगर टू यूनिट अगर दो यूनिट लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड चार यूनिट डिक्रीज कर जाएगा, अगर तीन यूनिट लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड नाइन यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ केस। तो बायोसेवर्ट लॉ कुछ अलग नहीं, ये तो हम लोगों को पता चलता है जितना दूर हम लोग पढ़े हैं इसमें से, ये तो सिंपली पता चलता है। बायोसेवर्ट लॉ ने लॉ जो है बायोसेवर्ट ने कुछ ऐसा ही दिखाया है, कुछ ऐसा ही, अलग सा कोई नहीं, कुछ कोई जादू भी नहीं है। तो बायोसेवर्ट लॉ बायोसेवर्ट ने क्या दिखाया कि बी जो है ये पहले तो प्रोपोर्शनल है आई के साथ, उसके बाद प्रोपोर्शनल है डी एल के साथ, उसके बाद प्रोपोर्शनल है थर्ड केस में हमने क्या देखा साइन थीटा के साथ, तो साइन थीटा के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के साथ, तो आर स्क्वायर। तो क्यों इसको प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन में रखे, इसको इक्वल रिलेशन में रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इधर कांस्टेंट ले लेते हैं, तो अगर कांस्टेंट ले लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, बी इक्वल्स टू डिटरमाइन किया जाएगा। तो बी इक्वल्स टू क्या लिखा है उन्होंने, एक कांस्टेंट ले लिया जो कि है म्यू नॉट बाय फोर पाई। मैंने बताता हूं म्यू नॉट बाई फोर पाई क्या होता है, इनटू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसको थोड़ा इधर लिखे, इसको मिटाते हैं। तो उन्होंने फाइनली कहा है कि बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यानी कि म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इंटू डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये है बायोसेवर्ट लॉ और कुछ नहीं, उन्होंने ऐसा ही दिखाया है बायोसेवर्ट लॉ। तो बायोसेवर्ट लॉ का जो ये जो बी है, ये बी क्या ये बी पूरा कंडक्टर के करंट की वजह से, जितना पूरा कंडक्टर की करंट की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ऑन दिस पॉइंट, क्या यह बताता है, नहीं बताता है। एक स्मॉल एलिमेंटरी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसीलिए ये होता है डीवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीवी। डीवी का मतलब क्या होता है, बी के जगह डीवी लिखोगे तो ये डीवी क्या मीन करता है, डीवी कुछ ऐसा मीन करता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पूरा की पूरा कंडक्टर की करंट नहीं, फुल लेंथ फाइनाइट लेंथ की करंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये किसी डीएल एलिमेंट्री लेंथ स्मॉल पीस ऑफ कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई इंटू डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये म्यू नॉट बाई फोर पाई क्या होता है, बी एच कर्व परमीबिलिटी रिलेटिव परमीबिलिटी बी एच कर्व, इसके बारे में शायद मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट टू के क्लास में बताया गया था। तो ये जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ऑफ एयर भी लिख सकते हो, फ्री स्पेस भी लिख सकते हो, फ्री स्पेस और वैक्यूम। और म्यू नॉट बाई फोर पाई का जो वैल्यू होता है, म्यू नॉट बाई फोर पाई का जो वैल्यू है वो है 10^-7। ये हम लोग मैग्नेटिज्म का जो पार्ट थ्री के क्लास है उसमें हम लोग देखे थे। तो ये कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को इधर आप इंसर्ट करोगे
तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है। तो बायो सेवर्ट लॉ और एक बार समराइज करते हैं। बायो सेवर्ट ने क्या कहा है कि पूरा कंडक्टर में से जितना करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो किसी एक पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में विद इन दिस मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है पूरा कंडक्टर के कारण, ये मैं नहीं बता सकता। बल्कि मैं ये बता सकता हूं इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री लेंथ, इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री करेंट, किसी भी एक पॉइंट में, किसी भी एक पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो इस एलिमेंट्री लेंथ के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये मैं बता सकता। तो ऐसा ही उन्होंने कहा है। तो ये जो होता है इसको मिटा देते हैं। तो बायो सेवर्ट लॉ, ये जो ए है स्केलर फॉर्म, ये होता है स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म बायो सेवर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, इसका इंटेंसिटी भी है और इसका डायरेक्शन भी है। तो जिस कैरेक्टर का मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। तो उसका वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डीवी वेक्टर, डीवी वेक्टर उन्होंने कहा है डीवी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय फोर पाई इंटू आई आई ऑफ डी एल वेक्टर। डीएल जो डायरेक्शन है ये हम लोग करंट के साथ लेते हैं, ऐसे भी लेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं है, हम लोगों का सुविधा होता है इसलिए करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। तो डीएल वेक्टर मल्टीप्लाइड आर वेक्टर बाय आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। अगर आप कहोगे कि सर इधर आर क्यूब क्यों आया, तो इसको मिटाते हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे इसमें से कितना क्या मिलता है, इसका डायरेक्शन भी मिलता है, मैग्नीट्यूड भी मिलता है, और इस फॉर्मूला से क्या मिलता है, ओनली मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन गायब हो जाता है। तो डी बी लिखोगे तो इधर म्यू नॉट बाई फोर पाई होता है और इंटू आई ऑफ डी एल, डायरेक्शन नहीं रहेगा क्योंकि स्केलर में लिख रहे हो, और आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर जो उसका स्केलर फॉर्म क्या होता है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो देखो बाई आर क्यूब, आर क्यूब ये हो जाता है स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म। तो ये भी स्केलर फॉर्म है, ये भी स्केलर फॉर्म है, क्या ये दोनों सेम है, हा सेम है, क्यों सेम नहीं है, क्योंकि इधर एक आर और इधर का एक आर अगर कैंसिल हो जाएगा तो इधर आर स्क्वायर रह जाएगा। तो इधर अगर आर स्क्वायर रह जाएगा तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई डी एल, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। देखो मिला लो इसके साथ। तो ये होता है बायो सेवर्ट लॉ का जो स्केलर फॉर्म और ये है वेक्टर फॉर्म। तो बायो सेवर्ट लॉ के थ्रू हम लोग तो एलिमेंट्री करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये तो डिटरमाइन कर लिया, लेकिन अगर पूरा फाइनाइट लेंथ का, एक फाइनाइट लेंथ का, फाइनाइट लेंथ की कंडक्टर की वजह से, पूरा लेंथ की कंडक्टर की वजह से कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसका लेंथ आप 2 मीटर 3 मीटर जो भी चाहिए ले लो। तो इस पूरा कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है पूरा कंडक्टर की वजह से। तो पहले क्या देखा, पहले कुछ ऐसा देखा कि इस डीएल लेंथ की वजह से इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका जो फॉर्मूला है ये है। तो डीवी हम लोग निकाल सकते हैं ना, डीएल की वजह से डीवी। तो इधर ये लेंथ अगर इधर हो जाएगा तो इसके वजह से और एक डीवी आएगा,
इधर से अगर डिटरमाइन करोगे तो और एक डीवी आएगा, इधर से छोटा करके पूरा की पूरा डीवी निकालो, डीवी निकाल लो, डीवी निकाल लो। ये जो गैप है गैप भी नहीं रहना चाहिए, इतना लेंथ में निकाल लिया, इतना लेंथ में निकाल लिया, इतना लेंथ में निकाल लिया बाई बाई यूजिंग बाई से बटा, सभी के सब डीवी को जोड़ दो, सभी के सब डीवी को जोड़ दो, यानी कि इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो इस पॉइंट में पूरा कंडक्टर की करेंट की वजह से, पूरा लेंथ का कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये पता चलेगा। तो ये अगर टफ लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, डेरिवेटिव करना है, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अगर नहीं आता है तो और एक आसान सा तरीका है, और एक बहुत ही आसान सा तरीका है, तो आपको मानना पड़ेगा कुछ चीज, आपको मानना पड़ेगा। देखो पहले इस पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो पहले जो ये जो पॉइंट है, मान लीजिए P पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड आपको डिटरमाइन करना है, तो P पॉइंट से कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, एकदम सिंपल है, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। तो ये परपेंडिकुलर जो लाइन है इस करेंट I के साथ, ये B कितना एंगल मेट कर रहा है, 90 डिग्री, इधर भी देखो 90 डिग्री, इधर भी देखो 90 डिग्री। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोला, थीटा। अगर आपको याद है तो देखो, अगर स्ट्रेट रहेगा तो ये 90 डिग्री होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। अगर इस के वजह से, इस डीएल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड, तब थीटा को आपको हो सकता है 60 डिग्री, तब साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि इस एलिमेंट्री करेंट की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा इस जगह से कम बनेगा। तो इस एंगल को हम लोग थीटा माने थे, थीटा लिए थे, थीटा। तो आपको क्या करना है, पूरा कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये डिटरमाइन करना है। मान लीजिए ये पूरा लेंथ है, फाइनाइट लेंथ है, तो इस लेंथ को आप ए नाम दे दो, ए, क्योंकि ए क्यों, क्योंकि इक्वेशन में जो फॉर्मूला है उसमें ए ही रहता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं ए ही रख रहा हूं। तो इस लेंथ को आप ए नाम दे दो, ए लेंथ, कंडक्टर में से पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको ए रखो। अभी देखो देखो देखो, ये एक एलिमेंट्री करंट है, इसके लिए भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके लिए भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके लिए भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके लिए भी इधर ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बल्कि सभी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इधर आप जाओगे तो इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ऐसे करते करते ये है फाइनल, क्योंकि ये लेंथ इधर तक ही है, तक है, तो इधर ये है फाइनल। तो पूरा की पूरा लेंथ, पूरा की पूरा अगर डीएल मिल जाएगा, कैसे डिटरमाइन करोगे, ऐसे डीएल मिल जाएगा, उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा आपका एक फाइनाइट कंडक्टर में से, एक फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो होगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये आप निकाल सकते हो। लेकिन ये इंटीग्रेशन करना पड़ता है, डिराइव करना पड़ता है। तो आप एक काम करो, आप क्या निकल रहे हो, देखो पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि इंटीग्रेट करके आप कैसे निकाल सकते हो। आप क्या निकालना चाहते हो, बी, डीबी नहीं, डीबी तो होता है एलिमेंट्री करंट की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड, तो बी निकालना चाहते हो, तो बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ये इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा, ये बहुत ही बड़ा होगा। तो मैं एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं,
कुछ चीज आपको मानना पड़ेगा, तो ये मिटाता हूं कि ये जो मान लीजिए मैंने इस एंगल से इस एक एंगल ड्रॉ किया, इधर भी एक एंगल ड्रॉ किया, पूरा लेंथ जो है पूरा लेंथ को मैंने कवर कर ले लिया, कवर करके कर लिया। इस एंगल को आप फाई वन लिखो, इस एंगल को फाई टू लिखो, इस एंगल को फाई वन लिखो, इस एंगल को फाई टू लिखो, ठीक है। तो चलो, हालांकि इधर दिख रहा है कि ये जो एंगल है 45 45 51 45 52 45, मैं अगर इधर लेता तो कुछ और बनता, एंगल का जो वैल्यू है फाई वन का वैल्यू और फाई टू का वैल्यू कुछ और बनता। दिखाओ, चलो अगर इस लेंथ की मान लीजिए इस पॉइंट की, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये पूरा कंडक्टर की कारण, पूरा कंडक्टर की करंट की कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो पहले, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो पहले, इसको कवर करो, इसको कवर करो। देखो एक फाई टू है और ये फाई वन है, तब फाई वन नॉट इक्वल्स टू फाई टू, बल्कि फाई टू इज ग्रेटर देन फाई वन। तो ऐसा जरूरी नहीं कि फाई वन इक्वल्स टू फाई टू हो, क्योंकि अब किस पॉइंट के किस पॉइंट का डिटरमाइन करना चाहता हो चाहते हो ये जरूरी होता है। तो इस केस को लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या आप ये कह सकते हो कि इधर जो B बनेगा ये B करंट के साथ प्रोपोर्शनल होगा? क्यों नहीं होगा? मैंने पहले केस में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी करंट के ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर डिपेंड। मैंने ये भी बताया मैग्नेटिक फील्ड जो है ये साइन थीटा के साथ प्रोपोर्शनल होता है, साइन थीटा के साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अभी ये जो ए है, इस ए को हमने उधर बायसेक्ट आर ले लिया था, क्योंकि वो जो आर था, थोड़ा सा डिफरेंस है इधर, वो जो आर था वो आर किसी एक एलिमेंट्री लेंथ का कंडक्टर के साथ पॉइंट का क्या डिस्टेंस था, ऐसा इस एलिमेंट्री लेंथ के साथ ये जो पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है इसका डिस्टेंस था। अभी ये जो ए है ये भी इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट का डिस्टेंस है, लेकिन क्या हम लोग इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में इसका मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं? नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हर पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है सभी के साथ निकाल रहा है। तो इसका अगर हम ये लिखें कि B प्रोपोर्शनल टू साइन, इसका क्या नाम दिया था, फाई, फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो देखो इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, साइन फाई वन कितना लेंथ है, इतना देखो ऊपर का लेंथ कितना है, ये एंगल कितना है, फाई वन एंगल है, ये फाई वन एंगल है। तो ये अगर फाई वन एंगल है तो कितना डिस्टेंस के लिए ये एंगल बना है, इतना डिस्टेंस के लिए, फाई वन डिस्टेंस, फाई वन एंगल क्या इतना डिस्टेंस को कवर करते हैं? हाँ करते हैं। अगर कंडक्टर और भी लंबा हो जाता तो ये लेंथ भी चेंज हो जाता, लेंथ देखो बड़ा हो जाता, लेंथ भी लेंथ अगर बड़ा हो जाता तो एंगल भी बड़ा हो जाता, सॉरी लेंथ अगर बड़ा हो जाता तो एंगल भी बड़ा हो जाता, तो एंगल अगर बड़ा हो जाता तो मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या होता, इंक्रीज कर जाता। तो हम लोग फाइवन कितना इसको डिस्टेंस अगर मान लिया जाए लेंथ साइन फाइवन
क्योंकि ये फाई ऑन किसके लिए बना है, इस लेंथ की वजह से बना है। तो अगर साइन फाई ऑन को लेंथ मान लोगे तो कितना लेंथ कवरेज दे रहा है, इतना, इसको पहले हटाओ, इतना लेंथ है। और साइन फाई टू जो है, ये फाई टू किस लेंथ है, फाई टू, ये है फाई टू, देखो ये है फाई टू, किस लेंथ की वजह से, इस लेंथ की वजह से। तो क्या हुआ, आई के साथ प्रोपोर्शनल हुआ पहले, फिर बी प्रोपोर्शनल, ये लेंथ ही है, लेंथ वन, ये लेंथ टू, लेंथ टू, तो पूरा के पूरा कंडक्टर का जो लेंथ है, इस पूरा लेंथ आपका अकाउंट में आ गया, आपका कैलकुलेशन में आ गया। अभी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि डिस्टेंस, ये पॉइंट अगर, ये डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन की डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फाइनली जो इक्वेशन बनता है, जो फॉर्मूला बनता है, बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी इक्वल्स टू होगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो बी प्रोपोर्शनल, पहले बी प्रोपोर्शनल लिखते हैं, किधर लिखे, इधर लिखो, बी प्रोपोर्शनल टू क्या बना, बी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, बी प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए होता है, इंटू वन बाई ए, ये वन है, वन बाई ए, और बी प्रोपोर्शनल टू साइन फाई वन प्लस फाई टू। इधर हमने थीटा नहीं लिया, क्योंकि थीटा एंगल जो होता है वो इधर का एंगल होता है, थीटा इधर का एंगल होता है, तो साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो ये प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसको अगर इक्वल लिखना है तो क्या लिखोगे, इधर लिखते हैं, इधर बी इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट लाना है, तो कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट बाय फोर पाई, इसके बारे में बताया इधर, म्यू नॉट बाय फोर पाई इंटू आई ऑफ आई बाई ए, आई बाई ए वन को हटा देते हैं, साइन फाई ऑन प्लस साइन फाई ऑन प्लस साइन फाई टू, साइन फाई ऑन प्लस फाई टू, इधर एक बार लिख देते हैं, बी इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट बाय फोर पाई टोटल, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटू आई ऑफ साइन फाई वन बाय प्लस फाइव साइन फाइव टू, साइन फाइव टू बाय ए। ये है एक फाइनाइट लेंथ की कंडक्टर की वजह से, फाइनाइट लेंथ की कंडक्टर की वजह से किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये डिटरमाइन करने का फॉर्मूला ये है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, बायो सेवर्ट लॉ ने कहा है कि मैं एक कंडक्टर, फाइनाइट लेंथ कंडक्टर की, पूरा की पूरा कंडक्टर के कारण एक पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये मैं नहीं बता सकता, एलिमेंट्री करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ऑन ए पॉइंट मैं ये बता सकता हूं। तो उन्होंने स्केलर जो उन्होंने कहा है कि ये है स्केलर फॉर्म, इसमें से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो लेकिन डायरेक्शन नहीं। अगर आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालना चाहते हो तो उसका जो फॉर्मूला है वो है वेक्टर डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई ऑफ वेक्टर डीएल मल्टीप्लाइड वेक्टर आर बाई आर क्यू।
इसमें से अगर वेक्टर आर को आप लिखोगे, अगर डायरेक्शन को निकाल दोगे तो मैग्नीट्यूड ही पढ़ा रहेगा तब। डीवी यानी कि स्केलर फॉर्म, ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं है। तो म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल, वेक्टर को हटा दिया, हटा दो, तो आर वेक्टर को आर साइन थीटा लिख सकते हो। नीचे आर क्यूब है, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर पड़ा रहेगा, ये हो जाएगा आपका स्केलर फॉर्म। तो अगर आपको एक फाइनाइट लेंथ की कंडक्टर की वजह से किसी भी पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसको डिटरमाइन करना है, तो जितना सारा डीएल एलिमेंट है एंड प्रत्येक डीएल एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सभी के सब डीएल को, डीवी को, डीवी को कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, डीवी को अगर आप इंटीग्रेट करोगे यानी कि जोड़ दोगे तो आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है मैंने बताया था, तो अगर ऐसे करके आपको ज्यादा टफ लगे तो आप ऐसे समझ सकते हो कि करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साइन फाइव वन प्लस फाइव टू, ये अगर इस इधर इस पॉइंट को रिस्पेक्ट करके इस पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो आप देखना चाहते हो, तो ये हो जाएगा ये ए हो जाएगा और ए हो जाएगा फाइव वन और ए हो जाएगा आपका फाइव टू, ए हो जाएगा फाइव टू, ये हो जाएगा फाइव वन। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दो, हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच।